चौथा रीजन बता देता हूँ भाई, जो सबसे मेन है, सो गाइस हमने सुना है 2022 में यामाहा R3 आने वाली है और काफ़ी लोग उसका वेट भी कर रहे हैं कि भाई यामाहा R3 आए और जल्दी से उसे परचेस करें। तो हमने सोचा एक वीडियो शूट कर दी जाए इसी टॉपिक पे कि भाई 2022 में यामाहा R3 ली जाए या नहीं, और अगर ली जाए तो उसके 5 ठोस रीज़न बताओ कि भाई क्यों ली जाए यामाहा R3। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है 2:45, तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको बताते हैं यामाहा R3 परचेज करने के 5 ठोस रीज़न, कि भाई 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमें यामाहा R3 लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। 3 साल बाद भी मेरी बाइक की जो लुक है वो कैसी है, देखने में कैसी लग रही है, तो आप देख सकते हो मेरी बाइक की लुक्स कुछ ऐसी लगती है। ये मैंने वापसी R3 का लगा दिया, पहले Ninja 300 का लगाया था ना बीच में टॉप स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, मज़ा तो आ रहा था लेकिन पिकअप थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो मैंने R3 का वापसी ये लगा दिया। और इसके ऊपर एक वो गार्ड होता है ना, मतलब चैन वैन निकल जाए तो वो टूटे ना, तो वो मैंने हटा दिया यार, वो देखने में अच्छा सा नहीं लग रहा था। अभी सुंदर सी लग रही है देखने में, और थोड़ा ल्यूब वगैरह करना पड़े तो उसमें भी अपना बाइक आराम से ल्यूब हो जाती है, मतलब बैरिंग वगैरह ल्यूब हो जाते हैं। सब मेरे पीछे देखो पुलिस वाले हैं उधर, और वो देख रहे हैं मेरे को कि बंदे ने मास्क लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ, तो भाई मास्क लगा लेता हूँ ताकि मेरा चालान ना कटे, ठीक है। तो ये रही अपनी बाइक, और मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहला जो रीज़न है ना इस बाइक को परचेज़ करने का, वो था इसका इंजन। भाई इसका जो इंजन है ना, इस सेगमेंट के अंदर, मतलब डुअल सिलेंडर सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। सिंगल सिलेंडर के इंजन की बात करें तो भाई RC390 का इंजन आता है, जो कि इससे काफ़ी पावरफुल है। मतलब कहने वाले ये कि ये 41 या 42 BHP है, और वो जो इंजन है वो 44 BHP के आसपास मतलब पावर आउटपुट है उसकी, तो इससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर डुअल सिलेंडर इंजन के अंदर इस इंजन को कंपेयर किया जाए तो भाई इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन, मतलब इतनी पावर में रिफाइंड इंजन नहीं है किसी का भी। लेकिन जितनी इसकी आउटपुट है, जितना उसका टॉर्क है, उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मान लो आपको कोई लॉन्ग राइड करनी है या हाईवे रन करना है, तो इसमें इतनी पावर है कि भाई आपको ना बढ़िया से 170, 180, 185 की टॉप स्पीड में बहुत अच्छे से ले जा सकती है। और दूसरी बात, बिल्कुल एफर्टलेस, मतलब इसको 180 या 170 जाने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ता, और इंजन साइलेंट रहता है, ज़्यादा चीखे नहीं मारता। सिंगल सिलेंडर और डुअल सिलेंडर में ना भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है चलाने में। जब आप चलाओगे ना सिंगल सिलेंडर और डुअल सिलेंडर, तो आपको अपने आप फ़र्क मालूम हो जाएगा कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला रीज़न है इसका इंजन है भाई, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब दूसरा रीज़न बता देता हूँ आपको भाई, दूसरा रीज़न है इसका राइडिंग पोस्चर, इस बाइक का राइडिंग पोस्चर, ठीक है। मेरे को भाई इस बाइक का ना राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब कि देखो मैंने इस पर ना बहुत लंबी लंबी राइड करी है। कहने का मतलब ये है, मैं इस पर मैंने विंटर कश्मीर भी किया है, और मैं दारचा तक भी गया हूँ। लद्दाख तो नहीं करा अभी तक, लद्दाख इस साल करने का इरादा था, लेकिन मैंने साच पास कर लिया, क्योंकि जिस बंदे को देखो वो लद्दाख ही जा रहा है, जिस बंदे को देखो वो लद्दाख ही जा रहा है। तो मैंने सोचा भाई कुछ अलग हटके करते हैं, साच पास करके देखते हैं कि भाई R3 साच पास कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो मैं, सिप्पू और तरुण भाई तीनों अपनी बाइकें लेके निकल पड़े साच पास के लिए, और भाई बहुत सारी ट्रिप मारी है मैंने इस बाइक पे। तो ये राइडिंग पोस्चर जो है काफ़ी काफ़ी हद तक इसका भाई कहने वाले ये कि कंफर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप R15 चला रहे हो या RC390 चला रहे हो आपको फील ही नहीं होगा, मतलब राइडिंग पोस्चर जो है वो CBR250R हो गई या R3 हो गई, Ninja 300 हो गई, इनका राइडिंग पोस्चर जो है वो सेम ही है। तो सेकेंड रीज़न था भाई राइडिंग पोस्चर, राइडिंग पोस्चर एक नंबर है इस बाइक का, लॉन्ग राइड पर आप आराम से जा सकते हो। तीसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ भाई, तीसरा रीज़न है इसकी सीट। भाई इसकी सीट जो है ना बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट है, कहने का मतलब ये कि आप अगर
वही लॉन्ग राइड करते हो इस बाइक पे, तो भाई सीट से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैंने देखा मेरे यार दोस्तों ने, बहुत सारों ने सीट की मॉडिफिकेशन करवा रखी है लॉन्ग राइड की वजह से। आप देख सकते हो 3.5 साल बाद भी मेरी वही स्टॉक सीट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि भाई मेरे को ये सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये सीट वाकई। मेरे एक दोस्त के पास R3 है 2016 मॉडल, जस्सी नाम है उसका, उसके पास भी मतलब सेम बाइक है, बट उसकी जो सीट है ना वो मेरे से ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख लो। तो मैंने उस वीडियो के अंदर भी बोला कि भाई तेरी जो बाइक है उसकी सीट मुझे ज़्यादा हार्ड लगी है, बट मेरी जो बाइक है इसकी सीट बड़ी सॉफ्ट है। तो भाई जो आगे वाली सीट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन भाई पिलियन की अगर बात करी जाए तो पिलियन के लिए भाई ये बाइक नहीं बनी। अगर आप बंदे को बैठा के, अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को या फ्रेंड वगैरह को बैठा के इस पर राइड करोगे, तो रियर वाली जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो पिलियन के मतलब की नहीं है। तो थर्ड रीज़न ये था। पहला रीज़न था इसका इंजन, फुल्ली रिफाइंड और पावरफुल इंजन, और लॉन्ग राइड के मतलब का इंजन, रेसिंग के मतलब का इंजन। दूसरा इसका था राइडिंग पोस्चर, कंफर्ट राइडिंग पोस्चर। तीसरा था इसकी अल्ट्रा सॉफ्ट सीट। चौथा रीज़न बता देता हूँ भाई, जो सबसे मेन है, चौथा रीज़न है भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट R15 वाली है, MT15 वाली है बिल्कुल। मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर इसी सेगमेंट के अंदर अदर बाइकों से इसको कंपेयर करोगे ना, जैसे बेनेली 300 हो गई, निंजा 300 हो गई, या फिर RC 390 हो गई, तो भाई इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है ना उनसे आधा आता है। मेरे को इस बाइक को 3.5 साल हो गए यूज़ करते करते, ठीक है। अब उसमें क्या है, मैं कभी भी इसकी सर्विस करवाता हूँ तो भाई 2500 से 2600 से ऊपर इसकी सर्विस नहीं टापती, मतलब ऊपर नहीं जाती, ठीक है। कबूतर देखो क्या मस्त लग रहे हैं भाई उड़ते हुए। ये बात अलग है कि अगर मैं लिक्वी मॉली यूज़ कर लेता हूँ या मॉड्यूल डलवा लेता हूँ तो भाई उसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है, 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास। और अगर मैं यामाहा ल्यूब यूज़ करता हूँ तो भाई उसके अंदर तो कुछ भी कॉस्टिंग नहीं आती, वही 2500 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ती है। इस बार मैंने इसके अंदर लिक्वी मॉली डलवाया है, मैं देखना चाहता था कि भाई ये मॉड्यूल के मुकाबले बढ़िया है नहीं है। तो भाई सच बताऊँ लिक्वी मॉली मेरे को सही लगा यार, इंजन ऑयल मॉड्यूल के मुकाबले तो काफ़ी रिफाइंड चलती है बाइक। चैन की कंडीशन देख लो आप, चैन सेट ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। चैन की वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन फिर भी इंजन काफ़ी रिफाइंड है। बीच में मुझे वाइब्रेशन की दिक्कत आई थी इसके अंदर, तो मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात करी थी, अपने दोस्तों से भी बात करी थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक बार तुमने रेसिंग की वीडियो बहुत बना रखी है तो उसकी वजह से हो सकता है क्लच प्लेट में स्क्रैच वगैरह पड़ गई हो या कोई दिक्कत आ गई हो, तो वो चीज़ें चेक करवा लो। बट मेरे एक फ्रेंड और हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ना सबसे पहले इसका चैन सेट चेंज करवाओ, चैन सेट चेंज कराने से वाइब्रेशन सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसका चैन सेट चेंज होना है जिसकी कॉस्टिंग है 5500 रुपये। तो गाइज पहला रीज़न था इसका इंजन, ठीक है। दूसरा रीज़न था इसका कंफर्ट राइडिंग पोस्चर। तीसरा रीज़न था इसका अल्ट्रा सॉफ्ट सीट। और भाई चौथा रीज़न था इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। पाँचवा रीज़न बता देता हूँ भाई, भाई पाँचवा रीज़न है इसका बैलेंस। भाई इस बाइक का बैलेंस अगर रेटिंग की बात की जाए ना तो 10 out of 10 दे दूंगा मैं, खास तौर से हिल पे, हाईवे पे या लीन करने में। भाई इतनी प्यारी लीन होती है बाइक जिसका जवाब नहीं, आप इसे चला के देखना आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई कैसी लीन होती है। इसके मुकाबले RC 390 उठा लो या फेयरिंग बाइक में कोई भी उठा लो आप, और हैंडलिंग चेक कर लो तीनों बाइकों की, RC 390 की, निंजा 300 की, R3 की, हैंडलिंग चेक कर लो भाई साहब, A1 हैंडलिंग, मतलब कि जिसे कहते हैं ना टॉप नॉच क्वालिटी हैंडलिंग के अंदर, वो है। अब बता देता हूँ भाई कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है इस बाइक में, मतलब 3 साल के अंदर क्या क्या दिक्कत आई है, छोटी मोटी मुझे प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। जब मैं कश्मीर वाली राइड पे गया था तो यहाँ से थोड़ी सी लीकेज हो गई थी, ठीक है, तो वो ये बोल्ट मैंने टाइट करे तो ठीक हो गई, उसके बाद टच वोट कभी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद 10,000 किलोमीटर में इसके टायर ख़त्म हो गए थे, ठीक है, टायर मैंने चेंज कराए, आगे Alpha H1 लगवा रखा है और भाई पीछे MRF लगवा रखा है। पीछे भी Alpha H1 लगा हुआ था, लेकिन साच पास की राइड करनी थी तो वहाँ Alpha H1 साथ नहीं दे पाता क्योंकि वो मीडियम कंपाउंड है और ये जो है हार्ड कंपाउंड है, तो इसको मैं लगवा के ले गया था, ये मुझे निकलवाना है। अब मुझे मिशलिन लगवाने आगे पीछे दोनों, क्योंकि पहले वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे इंडिया के अंदर लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से, अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल हैं तो अब मैं मिशलिन पे जाऊंगा, मिड कंपाउंड है वो भी। इसके अलावा भाई और भी चीज़ें बता सकता हूँ मैं इस बाइक में जो मेरे को सही लगती हैं। देखो एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है ये, और स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से जो मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस आती है ना वो आती है भाई 130-140, बट इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm। तो एक ग्राउंड क्लियरेंस का भी भाई मतलब के प्लस पॉइंट है कि ग्राउंड क्लियरेंस, स्पोर्ट्स टूरर होते हुए भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इस बाइक की। 3.5 साल में बाइकों में कॉस्मेटिक आइटम में कुछ दिक्कतें भी आई हैं, कभी कभी फेयरिंग लूज हो जाती थी तो ये मैंने जो रिविट थे ये पूरे चेंज करवा दिए अंदर के बाहर के सारे, ठीक है, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई मेरी।
रिविट की जो कॉस्टिंग थी वो भाई मेरे ख्याल से 17 रुपये का एक रिविट था, तो 250-300 रुपये में सारा मतलब क्लियर हो गया था। और ऐसी हो गई थी बाइक कि भाई जैसे बाइक के अंदर कुछ लूज था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम ये आई, जैसे मेरा ये सेंसर है, ये रिंग है था, ABS का रिंग होता है ना, तो ये रस्ट पकड़ गया। बाहर खड़ी रहती है यार बाइक, घर के बाहर ही खड़ी रहती है, तो बारिश धूप मिट्टी सब इस पर लगती रहती है, तो ये सारी यहाँ से रस्ट मतलब आ गया इस पर। और भाई ये आप देख सकते हो ये फ्रंट रिम है, इसका कलर फेड होना शुरू हो गया। ये भी बाहर खड़ी होने की वजह से हुआ, अगर घर के अंदर खड़ी होती तो ये भी दिक्कत नहीं होती। साइलेंसर पर रस्ट आ रखा है, तो अब ये रीपेंट होगा साइलेंसर, इसको मतलब रीपेंट करवाना ज़रूरी है, वरना रस्ट पकड़ के ख़त्म हो जाएगा। और भाई R3 के साइलेंसर की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 37,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। कुछ पार्ट्स हैं R3 के जो महंगे हैं, जैसे चैन सेट हो गया, 5,500 रुपये का चैन सेट है, और फुल एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया 37,000 रुपये का, वो है 37,000 का। और भाई आगे के ब्रेक पैड हो गए, 3,000 रुपये के ब्रेक पैड आते हैं, नॉर्मल किसी भी बाइक के 700-800 रुपये में आ जाते हैं, इसके 3,000 रुपये के आते हैं। तो कुछ पार्ट्स हैं जो महंगे हैं, लेकिन भाई अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग निकालो अदर बाइक से तो भाई बहुत सस्ती पड़ती है पायलट इवन इंजन के अंदर। एक बार मेरी ये जो हेडलाइट का बल्ब होता है ये भी ख़राब हो चुका है एक बार, शायद लो बीम हुआ था, तो लो बीम में देहरादून वाली राइड कर रहा था, मसूरी गया था मैं एक बार, मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो लो बीम का जो बल्ब है ये ख़राब हो गया था, फ्यूज़ हो गया था पता नहीं, फिर मैंने ये डलवाया, तो ये मेरे ख्याल से 120-130 रुपये के आसपास बाहर से मिला, और सर्विस सेंटर से इसी की कॉस्ट 600 रुपये के आसपास थी भाई, 600 रुपये का बता रहे थे वो। मैंने बोला भाई करोल बाग से जाके ले आऊँगा 600 रुपये में, तो मैं 6 बार करोल बाग चला जाऊँगा, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगवा लिया था। कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन भी करवा रखी है मैंने इस बाइक के अंदर, जैसे भाई USB चार्जर हो गया, ये मैंने कंपनी से लगवा लिया था, ये एडजस्टेबल लीवर हो गए, ये एडजस्टेबल लीवर भी काफ़ी महंगे मिले मुझे, मतलब 2,000 रुपये के आसपास इनकी कॉस्टिंग पड़ी है मेरे को। वैसे नॉर्मली अगर किसी दूसरी बाइक का मैं लेने जाता तो 1200-1300 रुपये में या 800 रुपये तक में ये मिल जाते मेरे को, बट R3 के स्पेशली R3 के महंगे हैं, और Ninja 300 के भी, तो ये मुझे काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। बट सच बताऊँ तो मुझे ये मेरे फ्रेंड ने लाके दिए, आकाश ने 2800 के आसपास मुझे बताए थे, बट 2000 रुपये में किसी जानकार से लाके मुझे दे दिए थे, फिट मैंने खुद ही कर लिए थे ये। और भाई ये देख सकते हो साइड की जो स्टिक रिंग होती है ये फैड हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है, 3.5 साल बाइक को हो गए। देखो ये ख़राब होते नहीं है, ये मेरी वजह से ही ख़राब हुए हैं, क्योंकि भाई मेरी बाइक बाहर खड़ी रहती है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो ये मेरी वजह से ही ख़राब हुए हैं। अगर आप इसे घर में खड़ी करोगे तो ये ऐसी चमचमाती भी मिलेगी आपको। दूसरा, एक बार शॉकर की जो सील होती है ना वो भी लीक हो गई थी, मैंने जो कैप होते हैं शॉकर वाले कैप होते हैं ना, ये एडजस्टेबल कैप ये लगवा लिए थे, तो इसकी वजह से भी मतलब के ये लीक हो गया था, तो फिर मैंने वो चेंज कराया। शॉकर की सील की जो कॉस्टिंग थी वो शायद 120-130 रुपये के आसपास पड़ी थी, बट लेबर चार्ज ज़्यादा लगा था। R3 को लेके लोग इतने मतलब के यामा वालों के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई R3 लॉन्च कर दो, R3 लॉन्च कर दो, लेकिन यामा है कि भाई सो रही है। वही बात कहूँगा कि भाई यही इंजन अगर किसी दूसरी बाइक के अंदर वो डाल के दे दें, जैसे नेकेड बाइक हो गई, कोई MT-03 बाहर आती है तो MT-03 यहाँ लॉन्च करते तो भाई बहुत चलेगी वो बाइक, और कोई एडवेंचर बाइक बनाए या कोई और दूसरी कैटेगरी की बाइक बनाए स्पोर्ट्स टूरर के अलावा सेम इसी इंजन पे, जैसे यामा करती है भाई, MT-15 R15 वाला इंजन है आपको पता ही है, MT-07 R7 में डाल दिया, वही सेम जैसे यामा करती है, ऐसे यार उसको और यही वाला इंजन दूसरी बाइकों में डाल के दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है यार। जब और कंपनियां बना रही हैं, कावासाकी को देखो भाई, पूरी लाइनअप है कावासाकी के पास, 300 से लेके 1400 तक सारी पूरी लाइनअप है भाई, और यामा के पास घंटा कुछ भी नहीं है। यामा वही FZ फेजर अलाना फलाना इनमें घूम रही है, एक आधी बाइक निकाल देती है 10 साल में, वो भी इतने सारी बाइकें आउटडेटेड हो जाती हैं, कोई लेना पसंद नहीं करता। अभी R3 2019 में निकाली थी इन्होंने, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी। अगर 2021 में भी लॉन्च कर देती या 2020 में लॉन्च कर देती तो भाई तो भी बाइक बहुत ज़्यादा बिकनी थी, बट अभी 2022 में लॉन्च हो रही है वो भी कंफर्म नहीं है ऐसा, मतलब सभी बता रहे हैं, यार दोस्त भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, यामा वाले भी बोलने लग गए अब तो कि भाई 2022 में यामा R3 आ रही है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है यामा का कब गुलाटी मार जाए। सो गाइस इन द एंड यही कहूँगा कि भाई इस बाइक को आप ले सकते हो, परफेक्ट बाइक है, 3.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, आज तक कोई मेजर इश्यू नहीं आया इस बाइक के अंदर, ठीक है। और इंजन तो भाई इतना सही है इसका, टच वुड, कि आप इसको कितना भी रफ़ चला लो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं देता। मोस्टली क्या होता है, आप ज़्यादा बाइक को पोटेंशियल पर रखते हो तो इंजन बोल जाता है जल्दी, मैंने देखा है बहुत सारी बाइकों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं इंजन, बट डुअल सिलेंडर इंजन हो सकता है Ninja 300 का भी सेम इंजन ऐसा ही हो,
और बेनेली का भी सेम ऐसा ही हो, क्योंकि डुअल सिलेंडर इंजन जो होते हैं कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन होते हैं वो। सो गाइस R3 चलाते चलाते हो गए अपने को 3.5 साल, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको नेकेड बनाया जाए। मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हूँ जो कि थाईलैंड के बंदों का है, ऐसी एक दिन उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी बाइक राइड करते हो, मैंने बोला R3 है मेरे पास, तो बोले अगर आपके पास R3 है तो एक बार उसे MTO3 बना के देखो और उसे चलाने के बाद अलग ही टाइप का फन आएगा आपको। मैंने बोला ठीक है भाई कोशिश करते हैं। तो हमारा एक फ्रेंड है इंडोनेशिया के अंदर, मैंने उसके थ्रू पार्ट्स ऑर्डर कराए हैं, तो मैं बनाऊंगा इसको MTO3। हो सकता है मेरी जो ये R3 है इंडिया की पहली MTO3 बन जाए, बट श्योर नहीं हूँ, हो सकता है उससे पहले क्या पता यामा लॉन्च ही कर दे, तो भाई देखते हैं क्या होता है आगे। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो यामा R3 की, 5 रीज़न मैंने आपको बता दिए, 5 क्या 6-7 बता दिए कि भाई R3 क्यों लेनी चाहिए 2022 में। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे बंदे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं भाई सिर्फ 15%, 85% लोग भाई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।